करनाल के सदर बाजार में रात को जूते व्यापारी के घर के बाहर 3 से 4 राउंड फायर होने का मामला सामने आया है। फायरिंग होने से आसपास दहशत का माहौल है। जिस समय ये फायरिंग हुई उस समय जूता व्यापारी के घर के सदस्य घर में थे, लेकिन जूता व्यापारी घर के बाहर था। जानकारी के मुताबिक जूता व्यापारी को कई दिन से फोन पर कुछ धमकियां मिल रही थी। फिलहाल पुलिस टीम जांच में जुट गई है। जहां एक तरफ पूरा देश राम जन्मभूमि की खुशी में आतिशबाजी में लगा हुआ था, तभी करनाल के सदर बाजार में बाइक सवार 2 युवक 3 राउंड फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। शुरुआत में तो पड़ोसियों और घर के कुछ सदस्यों को तो महज ये आतिशबाजी की आवाज ही लगी, पर जब घर के बाहर के कमरे में बैठे एक सदस्य ने पूरी जानकारी दी तो पता चला कि बाइक सवार 2 लड़के 3 राउंड फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भद्दी भद्दी गालियों के साथ धमकी भी देकर जाते हैं। पुलिस को पूरी जानकारी दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मुआयना किया। घर वालों से जानकारी मिली कि उनके बड़े भाई जो जूता व्यापारी, उनको फोन पर धमकियां मिल रही थी। किस बात की धमकी थी और कौन दे रहा था ये अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। जिस वक्त ये वारदात हुई जूता व्यापारी घर पर नहीं था जिसे धमकियां आती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ये भी जानकारी जुटाने में जुट गई है कि धमकियां कौन, क्यों और किस नंबर से आती थी। बहरहाल मामला गंभीर है। ऐसे में देखना यह होगा कि जो आरोपी बिना खौफ के 3 राउंड फायरिंग करके फरार हो जाते हैं उन्हें पुलिस कब तक जेल में पहुंचाती है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। खाना खा रहे थे, 2 बंदे बाइक पे आए और आपके उन्होंने 3 फायर करे घर पे और जब तक हम आए वो भागते थे। तो क्या कोई धमकी वगैरह की बात सामने निकल कर भाई को धमकी है अब पता लग रहा है। बड़े भाई को धमकी मिली है और भाई ससुराल गया होगा, ससुराल फिर आ रहा है, रस्ते में है। आने के बाद अपने चौकी में जाएंगे, FIR वगैरह होगी, उसके बाद वो क्या कार्रवाई करेंगे। तो किसी को चोट भी लगी है इसमें? नहीं, चोट नहीं, थोड़ा छर्रा लगा है पापा की टांगों में, कोई हल्का जख्म है बस। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। हाँ, मौके पर कार्रवाई। क्या नाम है आपका? खाके लिकड़ी, ये खाना उन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया। तो मैं बाहर लिकड़ी, जैसे इधर से आए 2 जने और हल्की गाड़ी करी हुई थी उन्होंने और उन्होंने 3 फैट छोड़ी थी। तो मैं कंग्लिंग जी क्यों छोड़ रहे हमारे, तो कुछ बात ही नहीं है कि क्यों ऐसे गोलियां चला रहे हैं। तो उन्होंने गोली चला के और गाली देते हुए चले गए। तो बाइक पे आए थे? बाइक पे कितने लोग थे? 2 थे। उन्होंने मतलब मुँह से डांटा मारा हुआ था और एक ने टी-शर्ट सदर बाजार के एरिया में भी एक मैसेज आया था, जो हमें सूचना मिली थी, चौकी इंचार्ज का भी फोन आया था कि कुछ एक घर पे फायरिंग हुई है, 2-3 फायर जो मौका पर पहुंचे हैं और 2-3 फायर हो रहे हैं। बट परिवार से भी फिर भी पूछताछ है, इन्होंने पूछताछ में किसी भी कोई शक नहीं बताया, कोई ऐसी बात नहीं बताई कोई इनकी रंजिशन या कोई बात हो। बाकी अभी जांच का विषय है, अभी देख रहे हैं जैसे मामला दर्ज किया जाए। कौन सा इलाका है? सदर बाजार का वकील। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? मुकदमा दर्ज किया जाएगा, बाकी आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जो भी हो पता। गोलियों के खोल कितने बरामद किए सर? 3 खोल का। बाइक पे आए थे सर? बाइक पे हैं, 2 लड़के बताए जा रहे हैं। वकीलपुरा इलाका है, CCTV कहीं आसपास कुछ? अभी देखेंगे कैसे, अभी फिर भी पूछताछ हुई है, अभी देखेंगे किधर को गया, किस गली से। कोई दुश्मनी परिवार के लोगों ने बताया? ऐसा कुछ नहीं, परिवार के सभी सदस्यों से पूछ लिया गया, इनके साथ कोई ऐसी धमकी नहीं है, कोई किसी से रंजिश नहीं है, कोई किसी के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा नहीं है। बट हो सकता है कोई गलत या मिस्टेक से कोई गलत इन्होंने वो कर लिया हो, बट फिर भी इस चीज़ की जो भी है वो गंभीर मामला है, गोलियाँ चलाना आपके अंदर। तो इस समय आप ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.